तो पूरे देश के लिए बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। पूरे देश भर में अब जो है लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन लॉकडाउन 3 में जो है कई यहाँ पर शर्तों के साथ रियायत दी गई है, कई जिलों को यहाँ पर छूट मिल जाएगी। 17 मई तक ये लॉकडाउन चलेगा। 3 जोन में पूरे देश को बांटा गया है और 3 जोन में कौन कौन से जिले आते हैं और आपका जिला किस जोन में आता है। रेड जोन में 130 जिले हैं, ऑरेंज जोन की अगर बात करें 284 जिले हैं, ग्रीन जोन की अगर बात करें तो 319 जिले यहां पर आते हैं। अब आपका जो यहां पर जिला है वो किस जोन में आता है, तो इस जोन में जो है किस तरह की छूट यहां पर दी गई है, पूरी जानकारी आपको यहां पर मिलेगी। शराब पान गुटखा की दुकानें कहां खुलेंगी और ट्रेन किस प्रकार की चलेंगी, इसके लेकर भी क्या बड़ी खबर है। और अगर बात करें तो पूरा जो देश है वो लॉकडाउन के जरिए बंद था, लेकिन अब लॉकडाउन तो रहेगा, लेकिन यहां पर अगर बात करें तो जोन के हिसाब से यहां पर रियायत दी जाएगी। अब अगर बात करें तो किस राज्य में किस तरह का जोन है और उस जोन के हिसाब से आपको किस प्रकार की छूट यहां पर मिलेगी। सबसे बड़ी खबर, अहम खबर जो यहां पर निकल कर आ रही है कि शर्तों के साथ सभी जोन में शराब की दुकान यहां पर खुलेगी, लेकिन शर्तें रहेंगी। हालांकि ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में जो है काफी कम यहां पर शर्त रहेंगे, लेकिन रेड जोन में जो यहां पर खुलेंगी दुकानें उन पर जो है यहां पर काफी ज्यादा शर्तें रहेंगी। इसके अलावा पान गुटखा और जो भी यहाँ पर छोटी दुकानें होती है जिसको हम गुमटी बोलते हैं वो भी यहाँ पर खुल जाएंगे, लेकिन शर्तों के साथ। इसके अलावा लॉकडाउन 3 में कार में सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकेंगे। इसके अलावा शराब की दुकानों पर क्या फैसला है, 2 गज की दूरी का पालन करना होगा, 5 से अधिक लोग जमा नहीं होंगे, इसको लेकर बड़ी खबर है। कई राज्य इसकी मांग कर रहे थे तो केंद्र सरकार ने आज जो है इसको मंजूरी दे दी है और लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन शुरुआत हुई है, लेकिन कई दरों पर कई राज्यों में कई जिलों में यहां पर छूट मिली है, जिसमें अगर बात करें कॉपिंग सीलिंग लिपियट पान गुटका के अलावा कुछ और भी जो यहाँ पर छोटे उद्योग हैं जो कि ग्रीन जोन में आते हैं उनको भी यहाँ पर छूट दी गई है। आप बराबर से जानते कि आपका जो जिला है वो किस जोन में आते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं रेड जोन के लिए, तो रेड जोन किस प्रकार से यहाँ पर है, जिसमें अगर बात करें तो दिल्ली, पटना, गया, चंडीगढ़, रायपुर, अहमदाबाद, सूरत ये रेड जोन है, फरीदाबाद, श्रीनगर, रांची, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर ये भी रेड जोन में है, मुंबई, पुणे, नासिक यहाँ पर, जलंधर, पटियाला, लुधियाना, जयपुर ये भी रेड जोन के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जोधपुर, कोटा, अजमेर, हैदराबाद, आगरा, लखनऊ, नोएडा, वाराणसी, बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मथुरा, हरिद्वार, कोलकाता, तो ये रेड जोन है। और रेड जोन के दौरान आपको क्या क्या नहीं करना है और किस प्रकार छूट रहेगी आगे आपको दिखाएंगे। इसके अलावा ऑरेंज जोन की भी बात कर लेते हैं कि ऑरेंज जोन में कौन कौन से यहाँ पर जिले आते हैं, नालंदा, सीवान, गोपालगंज, भोजपुर, यहाँ पर भालकपुर, दरभंगा, यहाँ पर राजकोट, गुरुग्राम, पानीपत, रोहतक, अम्बाला, सिवनी, जम्मू, यहाँ पर बोकारो, सागर, विदिशा, रतलाम, अमरावती, कोल्हापुर, यहाँ पर लातूर, पठानकोट, अमृतसर, तारन तारण, फरीदाकोट, गुरदासपुर, कोट, जैसलमेर, उदयपुर ये जो है ऑरेंज जिले हैं। और इन ऑरेंज जिले में आपको क्या नहीं करना है इसकी आपको जानकारी आगे देंगे। बात करते हैं यहाँ पर ग्रीन जोन के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। देखिए यहाँ पर मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, समस्तीपुर, पोरबंदर, रेवाड़ी, शिमला, बिलासपुर, मंडी, दुमका, गुमला, भिंड, गुना, सीधी, वर्धा, यहाँ पर उस्मानबाद, बठिंडा, बाराबंकी, बलिया, अमेठी, चमोली और अमेठी ये जो है रेड जोन के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए आपको सभी जोन के अंतर्गत क्या क्या खुले रहेंगे, क्या क्या नहीं रहेंगे। देखिए कॉमन चीज है यहाँ पर स्कूल, कॉलेज, जिम, मॉल, होटल, इसके अलावा कई ऐसे जो बड़े बड़े उद्योग हैं, फैक्ट्रियां, वो यहाँ पर बंद रहेंगी। सभी जोन में क्या क्या बंद रहेगा, कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होगा, जिस कैसे जो राजनीतिक कार्यक्रम होंगे, कैसे चुनाव होंगे, इस पर भी आपको आगे जो जानकारी दिखाएंगे। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं होंगे, किसी भी प्रकार के जो बड़े आयोजन होते हैं धार्मिक कार्यक्रम जिनमें जो काफी लोग उमड़ते हैं, उस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम नहीं होंगे। कोई भी सामाजिक कार्यक्रम भी नहीं होंगे, जिनमें जो सामाजिक बड़े बड़े यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं उस पर भी रोक लगा दी गई है। और स्कूल, कॉलेज, मॉल, यहाँ पर जिम हो या फिर स्पोर्ट क्लब हो, सभी को यहाँ पर 17 मई तक लॉकडाउन किया है। कॉमन चीज सभी जोन में ये लागू रहेगी। इसके अलावा अब बात करते हैं रेड जोन में क्या क्या छूट मिलेगी आपके लिए, तो मीडिया कर्मियों को आने जाने की छूट जो पहले भी थी और अब भी है, आईटी सेक्टर से जुड़े लोगों को छूट यहाँ पर मिल जाएगी, कॉल सेंटर को भी यहाँ पर छूट दी गई है, कॉल स्टोरेज की छूट के दायरे में भी रहेगी, कमर्शियल संस्थाओं को छूट के दायरे में रखा गया है, प्राइवेट यहाँ पर सिक्योरिटी कंपनी को छूट यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन फिर भी बात करें तो कॉलेज, थिएटर, मॉल, जिम हर जोन में यहाँ पर बंद रहेंगे। इसके अलावा रेड जोन में क्लिनिक खोलने की इजाजत मिल जाएगी। ओपीडी की अगर बात करें तो वो भी मरीजों की जांच के लिए खुलेगी। सील इलाकों में क्लिनिक
नहीं खोलेंगे, ये बड़ी खबर है। अब बात करें तो ऑरेंज जोन में किस प्रकार की छूट रहेगी। देखिए पेट टैक्सी चलेंगे लेकिन शर्तों के साथ कि एक ड्राइवर के साथ केवल एक ही सवारी यहाँ पर बैठ सकेगी। टैक्सी में दो सवारियों को इजाजत यहाँ पर मिल जाएगी। निजी कार में ड्राइवर समेत तीन लोग बैठ सकेंगे, मतलब कि एक ड्राइवर और उसके साथ दो सवारी यानी दो लोग कोई भी और हो सकते हैं। क्लिनिक खोलने की इजाजत यहाँ पर मिल जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन करना होगा। ओपीडी मरीजों की जांच के लिए इजाजत यहाँ पर मिलेगी। लेकिन कॉलेज, थिएटर, मॉल, जो जिम है, स्पोर्ट क्लब है, वो सारे के सारे बंद रहेंगे। ऑरेंज जोन में भी बाइक पर दो लोग जा सकेंगे। इससे पहले केवल एक ही व्यक्ति बाइक पर जा सकता था। इसके अलावा मीडिया कर्मियों को आने जाने की इजाजत रहेगी। आईटी सेक्टर से जुड़े लोगों को यहाँ पर छूट मिल जाएगी। इसके अलावा ग्रीन जोन में क्या क्या यहाँ पर खुल जाएगा, तो बड़ी खबर यहाँ पर 50% बसें चलेंगी। ये बड़ी खबर है कि 50% बसें चलेंगी, मतलब कि जिस जिले में 100 बसें चलती थी उसमें से केवल 50 बसें चलेंगी और बसों में जो है सिर्फ 50% यात्री ही यहाँ पर यात्रा कर सकेंगे। मतलब कि जो डिस्टेंस है वो रखना होगा। पहले जिस बस में 100 सवारी एडजस्ट होती थी लेकिन उसमें अब केवल 50 सवारी ही बैठ सकेंगी। फैक्ट्रियां खोलने की इजाजत यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा शराब, पान, गुटखे की यहाँ पर दुकानें खुलेंगी। लेकिन सवाल है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से आपको पालन करना होगा। ये ग्रीन जोन के लिए बड़ी राहत है। दुकानें, छोटे उद्योग को इजाजत यहाँ पर मिल जाएगी। ट्रांसपोर्ट को भी इजाजत मिली है, शर्तों के साथ खोलने की इजाजत यहाँ पर दी गई है। 21 दिन से केस न आने पर ग्रीन जोन घोषित होता है। तो ग्रीन जोन के लिए ये कुछ अहम जिले आपको दिखाए हैं अपडेट के साथ है। और भी अपडेट जो है बहुत जल्द यहाँ पर निकल कर आ रही पूरी देश। दोस्तों यहाँ पर 4 मई से सारी चीजों पर यहाँ पर आपको जो है अनुमति मिल जाएगी। ग्रीन जोन, रेड जोन और यहाँ पर ऑरेंज जोन के अंतर्गत जो भी जिले आते हैं उनके लिए शर्तें आ रही हैं। हालांकि कुछ और भी यहाँ पर जानकारी निकले तो उसके लिए पाने के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको तत्काल इस तरह की जानकारी मिलती रहे।